नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। नवाब मलिक ने आज सुबह रोज की तरह, जैसा वो पिछले 1.5 महीनों से कर रहे हैं, 9 बजे एक बार फिर से एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने बड़ा धमाका किया। इससे पहले वो अक्सर समीर वानखेड़े के धर्म पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज उन्होंने उनकी माँ के धर्म पर ही सवाल खड़े कर दिए। अभी तक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के हिंदू या मुसलमान होने पर विवाद छिड़ा हुआ था, लेकिन अब उनकी मां जाहिदा भी विवादों में आ गई है, वो भी मौत के 6 साल बाद। ये सवाल भी एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उठाए हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की माताजी जाहिदा के 2 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं। एक में समीर वानखेड़े की मां हिंदू है और जबकि दूसरे में मुस्लिम। दोनों में मृत्यु की तारीख भी अलग अलग बताई गई है। बीएमसी ने पहला डेथ सर्टिफिकेट 16 अप्रैल 2015 को जारी किया है, जिसमें समीर वानखेड़े की माताजी जायदा को मुस्लिम बताया गया है, जबकि एक दिन बाद 17 अप्रैल 2015 को जारी दूसरे डेथ सर्टिफिकेट में उन्हें हिंदू बताया गया है। समीर वानखेड़े अपनी माताजी के काफी करीब है। निधन के बाद मुस्लिम रीति रिवाज के साथ ओशिवारा कब्रिस्तान में दफन किया गया था, जहां समीर वानखेड़े हर सप्ताह अपनी माताजी से मिलने जाते हैं। समीर वानखेड़े की माताजी के 2 डेथ सर्टिफिकेट सामने आने से फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। इनसे वानखेड़े के खिलाफ अदालत में विचाराधीन मामले पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। अब अगले कुछ दिनों तक नवाब मलिक समीर वानखेड़े या उनके परिवार के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दे पाएंगे, कोई भी अहम खुलासे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की बोलती बंद कर दी है। रोजाना सुबह 9 बजे अब एनसीपी नेता नवाब मलिक समीर वानखेड़े परिवार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। पिछले कुछ हफ्तों से नवाब मलिक सिर्फ और सिर्फ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े या उनके परिवार के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे थे। नवाब मलिक की बयानबाजी से परेशान होकर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने ज्ञानदेव वानखेड़े की दलीलों को वाजिब माना और नवाब मलिक की बयानबाजी पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। अब नवाब मलिक ना तो वानखेड़े परिवार के खिलाफ कोई बयान जारी कर पाएंगे, ना ही इशारों में ही वानखेड़े परिवार के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे। नवाब मलिक के खिलाफ ये पाबंदी 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। अदालत में 9 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस कथावाला ने नवाब मलिक के बयानों पर रोक लगाते हुए ये भी कहा कि नवाब मलिक मंत्री है और एक मंत्री को इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती। आम तौर पर किसी नेता को चुप कराना बड़ी चुनौती का काम है, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट के एक फरमान के बाद अब ये संभव हो पाया है। इस बार अदालत ने किसी नेता को नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के एक आला मंत्री को खामोश कर दिया है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। मुंबई में अब महिलाओं के खिलाफ नाबालिग लड़कियों के खिलाफ रेप की घटनाएं काफी बढ़ गई है। मलाड में बच्ची के साथ रेप के बाद उसे एसिड अटैक की धमकी दी गई। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए सड़कों पर उतरे ये लोग एक 16 साल की लड़की को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। मुंबई में मलाड के हॉकर कौसर शेख ने लगातार 3 महीने तक इस लड़की का शोषण किया। पीड़िता की माँ नहीं है, उसकी बूढ़ी दादी है। मलाड के मार्केट में बूढ़ी दादी अपनी नाबालिग नातिन का जैसे तैसे गुजर बसर कर रही थी। बूढ़ी दादी और रेप पीड़िता के हालात जानने के बाद कई समाज सेवक भी मदद के लिए आगे आ चुके हैं। ये इतना गंभीर और गंदा मुद्दा है जिस बारे में बोलते हुए हमें शर्म आती है। एक 16 साल की गरीब बच्ची, अनाथ बच्ची जिसकी माँ नहीं, वो उसका पालन पोषण उसकी आजी करती है। रास्ते पे ये इसकी आजी रास्ते पे धंधा करते हुए, फेरी का धंधा करती है, धंधा करते हुए उसका पालन पोषण किया। पालन पोषण करते लड़की को इतना बड़ी किया। बड़ी होने के बाद आज ये मार्केट की, म्युनिसिपल मार्केट की घटना है। कहा जाता है, सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ा है कि पुलिस का खबरी है, पुलिस का कलेक्शन करके देने वाला है और लोगों को हैरान परेशान, गुटखा किंग ना, गांजा किंग ना, क्या क्या उसके नाम पे है,
उसने इस लड़की का भला फुसला कर, धमका कर, गलत तरीके से इसको बंगले में लेके गया और उसके ऊपर बलात्कार किया। ये मामला पूरे मालाड़ पुलिस स्टेशन में है। जिस तरीके से मालाड़ पुलिस स्टेशन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है। आज जो आंदोलन किया गया है 16 वर्षीय लड़की के ऊपर जो दुष्कृत्य किया गया है और उसकी जो फैमिली है, उसकी जो आजी है, उसको जो धमकाया जा रहा है, उसके ऊपर ये आंदोलन लिया गया। और ये आंदोलन का हम तीव्र आंदोलन की तरफ से ये जो घटना हुई है वो घटना का हम निषेध करते हैं। हालांकि लड़की की शिकायत के बाद मालाड़ पुलिस हरकत में आई। नतीजा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इसके बावजूद लड़की खौफ में है। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ हितेंद्र पवार और निशा ठाकुर की रिपोर्ट। भगोड़ा घोषित किया परमबीर सिंह। जी हां, मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर पूर्व का पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह आज अचानक 200 दिनों बाद मुंबई आए, जिसके बाद एक्सटॉर्शन मामले में उनसे 8 घंटों की पूछताछ की गई और साथ ही ये भी कहा गया कि जब भी बुलाया जाएगा उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा। 232 दिनों से गायब चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और वर्तमान डीजी होमगार्ड परमबीर सिंह अचानक गुरुवार को मुंबई में प्रकट हो गए। वे सबसे पहले क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे और उनसे तकरीबन 7 घंटों की कड़ी पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक डीसीपी नलोपतल और उनकी टीम ने गोरेगांव में दर्ज वसूली के एक मामले में उनसे पूछताछ की है। इस मामले में सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और कुछ दिन पहले उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका था। डीसीपी नलोपतल ने परमबीर सिंह को सूचना दी है कि जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा परमबीर सिंह को हाजिर होना पड़ेगा। परमबीर सिंह के वकील राजेंद्र मुकाशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। जहां परमबीर सिंह पर अब तक एक्सटॉर्शन के मामले लगे, वसूली के आरोप लगे, लेकिन अब एक गंभीर आरोप उन पर आज लगाया गया है। कसाब 26/11 आतंकी का हमलावर आतंकवादी कसाब, जिसने मुंबई को दहला कर रख दिया था, उसका फोन परमबीर सिंह ने छुपाया था। ये लेटर बॉम्ब अब परमबीर सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के सनसनीखेज आरोप लगाकर चर्चा में आए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर एक रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान ने लेटर बम फोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुंबई हमले 26/11 के वक्त जहां आतंकी अजमल कसाब को पकड़ा गया था, वहां परमबीर सिंह भी मौके पर आए थे। तब परमबीर सिंह ने उनका फोन अपने पास रख लिया, जबकि उन्हें जांच अधिकारी रमेश महाल को देना चाहिए था। यही वो फोन था जिससे कसाब पाकिस्तान से निर्देश पा रहा था। शमशेर खान पठान ने 4 पेज का ये पत्र 26 जुलाई 2021 को मुंबई के मौजूदा पुलिस कमिश्नर को लिखा है। इसमें मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। पठान ने लिखा है कि तब के डीवी मार्ग पुलिस थाने के सीनियर पीआई माली ने उन्हें बताया था कि आतंकी कसाब के पास से एक मोबाइल फोन मिला था, जो थाने के पुलिस सिपाही कामले के पास रखा हुआ था। तब गिरगांव चौपाटी के जिस सिग्नल पर आतंकी कसाब को पकड़ा गया था, वहां पुलिस अफसर परमबीर सिंह भी मौके पर आए थे। परमबीर सिंह ने वो फोन अपने पास रख लिया, जबकि उन्हें ये फोन जांच अधिकारी रमेश महाले को देना चाहिए था, जिससे जांच में पाकिस्तानी हैंडलर का पता चल सकता था और अगर इसमें किसी हिंदुस्तानी का हाथ था तो वो भी आसानी से पता चल जाता। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। लोकल ट्रेन में अब आम आदमियों को बड़ी राहत मिली है। ये तो सभी को पता है कि अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा शुरू कर दी गई है, लेकिन अब उस ऑनलाइन ऐप में आपको सिंगल टिकट भी दिया जाएगा। कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके मध्य रेलवे की उपनगरीय ट्रेन के यात्री अब रेलवे की अनारक्षित टिकट प्रणाली यूटीएस ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन पर एकल यात्रा और सीजन टिकट भी बुक कर सकते हैं। इस ऐप को राज्य सरकार की सार्वभौमिक पास प्रणाली से जोड़ा गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी।
मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि यूटीएस ऐप और सार्वभौमिक पास प्रणाली को जोड़े जाने से यात्री बिना किसी परेशानी के अपनी टिकट बुक कर सकेंगे। ऐसे व्यक्ति जो कि टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं और अंतिम खुराक दिए जाने के बाद से 14 दिन पूरे कर चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार पर सार्वभौमिक पास लेना होगा जो कि टीकाकरण की स्थिति के सत्यापन के बाद जारी किया गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। सिख समुदाय पर आपत्तिजनक बयान देने के लिए अब कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली असेंबली से कंगना रनौत को समन भेजा गया है और हाजिर होने का आदेश दिया गया है। अपने विवादित बयान को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती है, तो वहीं सिख समाज पर दिए अपने एक बयान के बाद कंगना रनौत की मुश्किलें और बढ़ गई है। दरअसल कंगना को दिल्ली असेंबली पैनल ने कंगना को पेश होने के लिए समन भी जारी किया है। दिल्ली असेंबली पैनल के सामने कंगना रनौत को 6 दिसंबर की दोपहर 12 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें, दिल्ली विधानसभा शांति और सद्भाव समिति के अध्यक्ष आप नेता राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा की तरफ से कंगना रनौत को ये समन जारी हुआ है। ये समन सिख समाज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जारी हुआ है। दरअसल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इंस्टाग्राम पर सिख समुदाय के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर कंगना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र और मुंबई अब पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है। लगभग हर कुछ को अनलॉक किया जा चुका है, तो वही आज राज्य के कैबिनेट मंत्रिमंडल बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। स्कूल को भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है। अब राज्य में 1 दिसंबर से स्कूल खोले जाएंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम होने के बाद धीरे धीरे सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है। ज्यादातर राज्यों में स्कूल कॉलेजों को भी खोला जा चुका है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में भी पहली से चौथी कक्षा तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से पहली से चौथी क्लास तक के स्कूल को भी खोल दिए जाएंगे। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कैबिनेट बैठक के बाद ये जानकारी दी है। वर्षा गायकवाड़ ने कहा, मुख्यमंत्री कैबिनेट और पीडियाट्रिक टास्क फोर्स के साथ चर्चा के बाद राज्य कैबिनेट ने 1 दिसंबर से ग्रामीण क्षेत्रों में पहली से चौथी और शहरी क्षेत्रों में पहली से सातवीं तक के स्कूल को फिर से खोलने का फैसला किया है। हम स्कूलों की सुरक्षित बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले से ही शुरू है। वहीं राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 12वीं तक की कक्षाएं भी बहाल हो चुकी है। सरकार के आज के फैसले का ये मतलब है कि राज्य में अब भी सभी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोला गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है मुंबई के आज के कोरोना अपडेट का, ये एक नजर डालते हैं मुंबई की कोरोना अपडेट पर। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 179 नए मामले सामने आए हैं। 162 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है और 4 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। 33,108 मरीजों की टेस्टिंग की गई। वहीं एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो मुंबई में इस वक्त 2,364 मरीज कोरोना से जूझ रहे हैं। रिकवरी रेट 97% है। डबलिंग रेट 2,616 दिन। एक्टिव सील बिल्डिंग की संख्या 16 है। वहीं एक भी कंटेनमेंट जोन इस वक्त मुंबई में मौजूद नहीं है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई में अब प्लेटफॉर्म टिकट को सस्ता करने का फैसला लिया गया है, जो कि कोरोना काल में बढ़ाकर 50 रूपए कर दिए गए थे, उसे एक बार फिर से 10 रूपए कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते भारतीय रेलवे की ओर से लागू किए गए प्रतिबंधों में ढील देने का क्रम शुरू हो गया है। शुरुआत मध्य रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कम करने के रूप में की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने कहा, सीएसएमटी दादर, एलटीटी थाने, कल्याण और पनवेल स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रूपए से कम करके 10 रूपए कर दी गई है। वहीं टीकाकरण कराने वाले लोकल यात्रियों को रेलवे में विशेष सुविधा भी दी है। इस बारे में अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि रेलवे ने यूटीएस मोबाइल ऐप को महाराष्ट्र सरकार के यूनिवर्सल पास के साथ जोड़ा है, जो पूरी तरह से टीकाकरण वाले स्थानीय यात्रियों को अपने फोन पर टिकट बुक कराने की अनुमति देगा। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।